नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी की। एक बार कार्ल सेगन ने कहा था, साइंस स्पिरिचुअलिटी के साथ कंपेटिबल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी का एक गहरा सोर्स है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग हमेशा से परेशान रहे हैं, क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या है वो रिश्ता जो हमारे दिमाग और आत्मा के बीच में एग्जिस्ट करता है? और हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए हमें खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी आपस में कैसे रिलेट करते हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन एंड ब्रेन साइंस। मेडिटेशन या ध्यान एक प्राचीन प्रतिक्रिया है जो आजकल मॉडर्न साइंस के माध्यम से भी प्रमाणित होती जा रही है। अनेक अध्ययन दिखाते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग का कुछ हिस्सा एक्टिवेट होता है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, मेंटल स्टेट इम्प्रूव करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट डॉक्टर सारा लेजन ने मेडिटेशन के प्रभाव को समझने के लिए न्यूरो इमेजिनिन का उपयोग किया। उनका रिसर्च दिखाता है कि मेडिटेशन करने से हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे दिमाग का हिस्सा है जो मेमोरी और लर्निंग से जुड़ा हुआ है, उसका साइज बढ़ता है। इससे हमारा दिमाग तेज होता है और हमारी समझ में सुधार होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखने का तरीका है, जो कहता है कि जब हम मरने के करीब होते हैं, हमारी आत्मा या कॉन्शियसनेस अलग से विचार करने की स्थिति में आ जाती है। लोग कहते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में उनका दिव्य अनुभूति होती है, जैसे कि शांति का अनुभव, अपने शरीर से बाहर का अनुभव, प्रकाश की ज्योति देखना और मरे हुए लोगों से मिलना। ये अनुभूतियाँ धार्मिक विचार, पुनर्जन्म और आत्मा के अनंतता के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये अनुभव हमें एक अलग प्रकार की रोशनी डाल सकता है अपने आत्मा के आंतरिक और बाहरी रिश्तों को समझने में। एक फेमस स्टडी हुई, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर सैम पन्निया ने लगभग 2000 से ज़्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया। उनका रिसर्च दिखाता है कि लोग अपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में उनके शरीर से बाहर निकलने या उनकी आत्मा बॉडी से अलग या शरीर से दूर होने का अनुभव करते हैं। ये प्रूफ करता है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है और एक आंतरिक अनुभव में जीवित रहती है। क्वांटम फिजिक्स एक विशेष शाखा है जो हमारे ब्रह्मांड के मूल तत्वों को समझने का प्रयत्न करता है। इसमें कुछ विचार जैसे कि नॉन लोकेलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस और हमारे पुरातात्विक विचारों से कैसे मिलते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का नेचर ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि पार्टिकल का नेचर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका नेचर चेंज हो जाता है। इस प्रयोग से हमें समझ आता है कि हमारी दृष्टि का प्रभाव कैसे पड़ता है ब्रह्मांड के मूल तत्वों पर। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अनेक तरह के स्ट्रेस और तनाव से गुजर रहे हैं। इसमें माइंडफुलनेस या चिंता का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। साइंटिफिक रिसर्च दिखाता है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे कि डीप ब्रीथिंग, बॉडी स्कैनिंग और प्रेजेंट मूवमेंट अवेयरनेस मेंटल स्टेट को सुधारने में मदद करते हैं। एक साइंटिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ होगे, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं, उन्होंने दिखाया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है और इमोशनल वेलबींग में सुधार होता है। ये प्रूफ करता है कि साइंस और अध्यात्म के माध्यम से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सुखी और संतुलित रह सकते हैं। योगा एक प्राचीन विधि है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। आज मॉडर्न साइंस के रिसर्चों में दिखाया गया है कि योगा करने से हमारे शरीर का कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, यह हमारे स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा योगा के आसन से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी इम्प्रूवमेंट होता है। कैलिफोर्निया के सॉल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज के रिसर्च में दिखाया कि योगा और मेडिटेशन के रेगुलर अभ्यास करने से हमारे डीएनए का टीलोमेयर
जो हमारे उम्र के प्रति एक मार्कर होते हैं, उनका लेंथ बढ़ता है। इससे हमारी उम्र बढ़ने में रोक लगती है और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ पूरी प्रकृति को भी समझती है। इसमें प्रकृति या इंडिविजुअल नेचर का महत्व बहुत है और व्यक्ति के नेचर के अनुसार चिकित्सा दी जाती है। आज मॉडर्न साइंस के रिसर्चों में दिखाया गया है कि आयुर्वेदिक उपचार जैसे कि प्राणायाम, योगा आसन और रसायन चिकित्सा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मददगार होते हैं। इसके अपनाने से, ध्यान रखने से हम अपने आहार और दिनचर्या को भी सुधार सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य में सुधार आता है। विज्ञान और अध्यात्म के इस प्रश्न को समझने के लिए हमें गहराई से देखना होगा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जिसमें हमारा मन, शरीर और आत्मा एक साथ जुड़ जाते हैं। आज सिर्फ हमने एक छोटी सी झलक देखी है इस विषय में, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके दिमाग में एक नई रोशनी का क्षेत्र खोलेगा और आपको अपनी आत्मा के गहरे रिश्तों की खोज में प्रेरित करेगा।